हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीच टू ईच। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के सम इफ्स फॉर्मूले की, जो कि एक एडवांस लेवल का फॉर्मूला है। तो ना ही मैं बात कर रहा हूँ सम की, ना ही मैं बात कर रहा हूँ सम इफ की। इन दोनों से ऊपर जो फॉर्मूला है वो है सम इफ्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो अगर आपको नॉर्मल सम कराना है तो वहां पर आप यूज करेंगे सम फॉर्मूला। मगर अगर आपको एक कंडीशन के साथ सम कराना है तो वहां पे आप यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूला। और अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन के ऊपर सम कराना है तो आप यूज करेंगे सम इफ्स फॉर्मूला, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो जैसा कि आप मेरा डेटा देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए हैं और यहाँ पे उनकी एज, यहाँ पे उनका जेंडर, वो मेल है या फीमेल, और उनके टोटल मार्क्स जो कि 500 में से हैं। तो मुझे क्या करना है, देखिए नीचे हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है, एज और जेंडर। तो मुझे अब क्या करना है, जिन भी बच्चों के 15 से ज़्यादा एज हो और जेंडर मेल हो, उनके जो टोटल मार्क्स हैं उनका सम होके मुझे इस वाले सेल में मिल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे भी ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो वहां पे मेरे को आंसर मिलना चाहिए। देखिए अगर यहां पे एक ही कंडीशन होती तो मैं यहां पे सम इफ फॉर्मूला भी यूज कर सकता था, मगर यहां पे हमारे पास दो कंडीशन है तो यहां पे हम सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका सिंटेक्स लिखते हैं। इक्वल टू SUMIFS, सम इफ्स, और ब्रैकेट ओपन। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सम रेंज। तो देखिए सम रेंज वो होती है जिसको हमें सम कराना है। तो देखिए हमें टोटल मार्क्स का सम चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसकी जो पूरी रेंज है वो सेलेक्ट कर देंगे। तो उसका जो सेल एड्रेस था वो G4 से G8 तक है, जो कि यहाँ पे लिखा आ गया है, कॉमा। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 1। तो देखिए जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दो क्राइटेरिया थे, उसमें से पहला क्राइटेरिया हमारा जो भी है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्राइटेरिया है एज। तो ये उसकी रेंज पूछ रहा है कि हमें आपकी कौन सी रेंज है जो क्राइटेरिया रेंज 1 माननी है। तो मैं एज पे जाऊँगा और एज पूरा सिलेक्ट कर दूंगा। तो E4 से E8 हमारी एज सिलेक्ट हो गई है, कॉमा। अब देखिए क्राइटेरिया 1, तो इस एज में से अब हमें क्राइटेरिया देना है। मान लीजिए अब इस एज में हमारा क्राइटेरिया था 15, तो देखिए जो एज भी 15 के बराबर होगी वो हमें यहाँ से मिल जाए। ओके, तो क्राइटेरिया रेंज 1 भी दे दिया हमने और क्राइटेरिया 1 भी दे दिया, कॉमा। तो देखिए क्राइटेरिया रेंज 2, अब ये दूसरे क्राइटेरिया की बात कर रहा है। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था, जेंडर। तो जहाँ पे भी हमें जेंडर दिखेगा उसका पूरा रेंज सेलेक्ट कर देना है और कॉमा। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया 2, तो देखिए क्राइटेरिया 2 हमारा क्या है, ये जो नीचे लिखा हुआ है मेल, क्योंकि हमें देखना है जो भी मेल हो उसका सम आ जाए। तो देखिए इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम दो से ज़्यादा कंडीशन भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसके बाद मैं एंटर मारता हूँ, हमारा फॉर्मूला पूरा हो चुका है। तो देखिए 780 आंसर आया है हमारा। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो कंडीशन था वो फुलफिल हुआ है। तो सबसे पहले मैं देख लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेल के डेटा हैं, एक ये वाला और 2 ये। ओके, और इसमें इन्होंने दिखाया है कि एज 15 कहाँ पे है। तो देखिए एज 15 सिर्फ 2 में है, आशीष और ललित। तो अगर इन दोनों के जो मार्क्स हैं मैं वो देखूँ, ये और ये, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें 400 और 380 को, तो आंसर आएगा 780। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक और कंडीशन जोड़ देता हूँ, टोटल मार्क्स। तो देखिए टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे एक और जोड़ दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि जहाँ पे भी मेरे को ग्रेटर देन 400 मार्क्स मिले वो भी इसमें आ जाएं। तो अब हम अपने फॉर्मूले में आएंगे और जहाँ पे F11 था उसके बाद कॉमा लिखेंगे, और क्राइटेरिया रेंज 3 जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो क्राइटेरिया रेंज 3 हमारी हो जाएगी टोटल मार्क्स वाली रेंज। तो इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया और कॉमा, इसके बाद कह रहा है ये क्राइटेरिया 3। तो देखिए हमारा क्राइटेरिया 3 क्या है, टोटल मार्क्स। अब हमें चाहिए कि इस रेंज में जहाँ पे भी हमें ग्रेटर देन 400 मार्क्स मिले वो टोटल हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एज और जेंडर भी फुलफिल हो। ओके,
और मैं एंटर मारता हूँ तो देखिए ज़ीरो आया है। अब ज़ीरो क्यों आया है, क्योंकि देखिए ग्रेटर देन 400। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दो रिज़ल्ट आ चुके थे 400 और 380, तो अब ये दोनों ही 400 से कम है इसीलिए ये आंसर नहीं आया। मान लीजिए मैं इसे 450 कर देता हूँ तो देखिए हमारा चेंज हो गया है आंसर। इट मीन्स आपको देखना पड़ेगा कि जितनी भी आपने कंडीशन दी है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वाली फाइल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिखें, और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और क्या मुझे अपनी वीडियो में चेंज लाना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट संडे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी।